तो बाइक को एक बार खींच के देखते हैं। एक गियर में 48 जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को 27 का BHP मिल जाता है एंड 36 NM का आप लोगों को टॉर्क जो है वो मिल जाता है। तो टॉर्क तो बहुत ज़्यादा है इस बाइक में। तो 2,75,000 में आप लोगों को इतना एक अच्छा बाइक मिल रहा है, वो भी क्रूजर है, इतना अच्छा कंफर्टेबल बाइक। वन टू थ्री। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लिस्टेड ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी फिलहाल जा रहा हूँ हीरो मैवरिक का जो न्यू बाइक आया है 440cc का, तो इसका टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो मैं फिलहाल बाजार शोरूम पे आया था वीडियो बनाने के लिए, तो अभी फिलहाल इधर पे आया था, टेस्ट ड्राइव चल रहा था, तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आते। तो डिस्प्ले देख सकते हो कि फुल्ली डिजिटल मिल जाता है इसमें आप लोगों को। सो फिलहाल एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देख रहा हूँ कि बाइक कैसा है। तो मैंने तो इस बाइक का अभी तक रिव्यू वीडियो भी शूट नहीं किया, तो अगर अच्छा लगा तो शोरूम पे जाऊंगा इसका वीडियो बनाने के लिए, एंड अगर आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा तो इसका वीडियो बनाने के लिए जाना पड़ेगा। एंड ये हीरो का फास्ट बाइक होगा इतना सीसी का। बाप रे, पावर तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप लोगों को 27 का BHP मिल जाता है एंड 36 NM का आप लोगों को टॉर्क जो है वो मिल जाता है। तो टॉर्क तो बहुत ज़्यादा है इस बाइक में, एंड पावर भी मुझे बहुत अच्छा खासा फील हो रहा है अभी फ़िलहाल। इसका हॉर्न का देख किधर गया, अच्छा इधर पे है। तो मैंने सोचा जब बोल रहा है तो एक टेस्ट राइड लेके आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर देता हूँ, तो इसी कारण के लिए फिलहाल एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। ये बाइक जो है ये आप लोगों को एयर एंड ऑयल कूल्ड मिलेगा, तो इसी कारण के लिए थोड़ा सा हीट जो है वो फील हो रहा है। ये लिक्विड कूल इंजन जो है ये नहीं है, 440cc का इंजन है ये, एंड इसमें BHP जो है वो अभी आप लोगों को बता दिया। एंड इस बाइक के हैंडलिंग पोस्चर भी अच्छा है, मतलब चला के बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हीरो का बाइक का जो रिव्यू तो मैंने अभी तक नहीं किया, ये फास्ट बाइक होगा वो भी राइड रिव्यू। तो मैं अभी एवेंजर का वीडियो शूट करने वाला था, तो मैंने सोचा कि इसका एक शूट कर लेते हैं, उसके बाद एवेंजर का करूँगा। एंड मेरे GoPro का बैटरी का हालत भी उतना अच्छा नहीं है, तो बाइक को एक बार खींच के देखते हैं। एक गियर में 48 जा रहा है, 74। पिकअप तो अच्छा खासा पकड़ रहा है बाइक। ब्रेकिंग देखना पड़ेगा कैसा है इसका, ब्रेकिंग भी अच्छा है। तो डुअल जनरल ABS आप लोगों को इसमें मिल जाता है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है, तो क्रूज़र बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो मुझे फील हो रहा है अभी, लेकिन हैंडलिंग बहुत अच्छा है, हैंडलिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। पिकअप तो बहुत मस्त है, एंड क्रूज़र होके इतना अच्छा पिकअप, क्योंकि हाई सीसी का बाइक है एंड टॉर्क भी ज़्यादा है, BHP भी ज़्यादा है, तो इसलिए पिकअप बहुत अच्छा है इस बाइक का। एंड मुझे पता नहीं कि व्यूइंग एंगल कैसा आ रहा है कॉकपिट व्यू, लेकिन मुझे चलाने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो सामने एक यू टर्न मरने का जगह है, उधर से मैं यू टर्न ले लूँगा। मैं टॉप स्पीड तो अभी चेक नहीं करूँगा, क्योंकि न्यू बाइक है एंड ये टेस्ट राइड के लिए है, तो इसी कारण के मैं इतना ज़्यादा खींचूँगा भी नहीं। एंड आप लोगों को एक दो गियर में जो पिकअप टकरता है वो तो आप लोगों को मैं बता दिया, इसका रिव्यू बनाना पड़ेगा। तो जो दादा है उससे मैं नंबर जो है वो ले लिया हूँ, तो कल या परसों जाऊँगा शोरूम पर, उस पर जाके इस बाइक का रिव्यू बनाऊँगा। एंड एक्जेमर का भी रिव्यू आने वाला है, एंड हार्ले का भी रिव्यू जो है वो आने वाला है बहुत जल्द।
इनिशियली जो पिकअप है बहुत ही अच्छा है एंड फर्स्ट गियर में 48 जाता है, आप लोगों को दिखाई दिया, लेकिन 80 के बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो फील हो रहा है मुझे इस बाइक में। हंड्रेड तक ही भगाना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, तो सामने यू टर्न मरने का जगह है उधर से यू टर्न ले लूँगा। तो तीन गियर में देखते हो एक बार कितना भगता है, ठीक है, तभी तीन गियर स्किप कर गया था मैं। नाइन्टी नाइन थर्ड गियर में, लेकिन चलाने पे मतलब बहुत कंफर्टेबल ये बाइक है। इसका ऑन रोड प्राइस कितना है? 2,75,000। तो 2,75,000 में आप लोगों को इतना एक अच्छा बाइक मिल रहा है, वो भी क्रूज़र है, इतना अच्छा कंफर्टेबल बाइक, जो लोग क्रूज़र का शौकीन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये बाइक। एंड पिकअप जो है वो भी अच्छा है, मतलब स्पोर्ट्स का भी थोड़ा थोड़ा फील जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा इस बाइक में, क्योंकि जो क्रूज़र बाइक रहता है वो उतना ज़्यादा भागता नहीं है, लेकिन ये बाइक बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब भाग रहा है। पिकअप भी बहुत अच्छा पकड़ रहा है, चार गियर में देखो कितना अच्छा पिकअप पकड़ लिया। वन टू थ्री, चार गियर में गया 123। मतलब छः गियर में इसका टॉप स्पीड बहुत अच्छा है। स्पेशली मुझे इस बाइक में एक चीज़ बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो है कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा। एंड अभी पता नहीं है कि इसका हेडलाइट का पावर कैसा है, क्योंकि डे लाइट पे मैं अभी चला रहा हूँ, अच्छा ही होगा इसका पावर, क्योंकि LED हेडलाइट सेटअप है। एंड इसमें आप लोगों के हैज़र्ड का स्विच जो है वो भी मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा करके आप लोगों को इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ये एक अच्छा चीज़ है। एंड इधर पे एक SOS का स्विच है, वो आप लोगों को मैं जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि ये जो SOS है इसका काम क्या है। ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा है, मैं सिर्फ फ्रंट वाला ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ। इसका डाउन पेमेंट कितना आएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, 60-70 आ जाएगा ना, उसके बाद सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो काम हो सकता है क्या डाउन पेमेंट उससे? सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो डाउन पेमेंट क्या काम हो सकता है? अच्छा, तो मैं जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इसका तो डिटेल में आप लोगों को सब कुछ जो है वो बता दूंगा कि इसका EMI क्या आने वाला है। ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को बता ही दिया, तो जब रिव्यू कल शूट करूँगा तब आप लोगों को डिटेल में और अच्छे तरीके से बता दूँगा। एंड इसका शॉकर टेलीस्कोपिक सस्पेंसर है, इसमें आप लोगों को EOT फोक्स जो है वो नहीं मिलता, लेकिन टेलीस्कोपिक बहुत ही मतलब बल्कि जैसा लुक दे रहा है, बहुत ही मोटा है इसका टेलीस्कोपिक, उतना पतला जैसा नहीं है, लेकिन सस्पेंसर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो गाइस, यही था हीरो 440cc मैविक का रिव्यू, मतलब राइड रिव्यू वीडियो, तो मैं इसको यही तक रखता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। एंड इस बाइक के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो या फिर नहीं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। एंड और क्या वीडियो आप लोग देखना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी शूट कर लूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।